हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी। कहानी का नाम है ठग की कहानी। तो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ठग रहता था। एक दिन कहीं जाते हुए रास्ते में उसे एक किसान मिला। दोनों साथ साथ राह काटने लगे। ठग किसान से बोला, मन बहलाने के लिए कहानी सुनते सुनाते चलते हैं, इससे रास्ता भी आराम से कटेगा। ठीक है, चलो कहानियों से जी बहलाते हैं, पर शर्त है, कहानी चाहे सरासर झूठी और बेतुकी ही क्यों न हो, हम में से जो से कोई उसे झूठी नहीं कहेगा, हम में से जो दूसरे की कहानी को झूठी कहेगा उसे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठग ने कहा, मंजूर, पर पहले मैं सुनाऊंगा। ठग ने कहानी शुरू की, तुम तो जानते हो मेरे परदादा बहुत धनवान थे। सही, एकदम सही, किसान ने कहा। एक बार मेरे परदादा 40 जहाज लेकर 7 समंदर पार गए। वहाँ उन्होंने अनमोल हीरे मोतियों का व्यापार किया। सही साहब, बिल्कुल सही फरमाया, किसान ने जवाब दिया। वहाँ कई बरस रुके, ढेरों धन कमाया। वे आपसी में अपने साथ कई अजब गजब चीजें लाए। उनमें एक बोलने वाली सोने की पुतली भी थी। ये ठग कह रहा है, वह हर सवाल का जवाब भी देती देती थी। सही साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने, किसान ने हाँ में ही हाँ मिलाई। फिर ठग कहता है दोबारा कहानी, बहुत से लोग उस अनोखी पुतली से अपना भाग्य और हालचाल जानने आए और उसकी बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। एक दिन तुम्हारे परदादा भी बोलने वाली पुतली से कुछ पूछने के लिए मेरे परदादा के पास आए। ठग कह रहा है किसान से, तुम्हारे परदादा ने पूछा, सबसे बुद्धिमान कौन है? पुतली ने जवाब दिया कि आप। फिर उन्होंने पूछा, धरती पर सबसे मूर्ख कौन है? पुतली ने तुम्हारे परदादा का ही नाम बताया। आखिरी सवाल पूछा, हमारे खानदान में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? पुतली ने तुरंत जवाब दिया, हरिराम। यानी कि ठग की बात सुन रहे किसान का नाम ही हरिराम था। सही, बिल्कुल सही। अपमान से गुस्साए किसान ने मन ही मन तय किया कि यह ठग के बटकरों से ऐसा हिसाब चुकाएगा कि ठग उम्र भर याद रखेगा। यानी कि ठग झूठी कहानी सुना रहा था, किसान सुन रहा था बेचारे, लेकिन मन ही मन बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। ठग ने कहा, पुतली की ख्याति राजा तक पहुंची। उन्होंने मेरे परदादा को बुलाया और पुतली ले ली। बदले में महाराज ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना दिया। सही, बिल्कुल सही, किसान ने कहा। मेरे परदादा ने भी इस बारे में हमें बताया था, किसान ने कहा। बरसों तक उन्होंने महाराज की सेवा की। जब वे बुढ़ा गए तो उनकी जगह मेरे दादा प्रधानमंत्री बन गए। वे बहुत ठाट बाट से रहते थे और राजकाज की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। इससे महाराज नाराज हो गए, उन्हें पागल हाथी के आगे फिकवा दिया। मेरे दादा को देखते ही हाथी शांत हो गया, उन्हें झुककर सलाम किया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। सही सही कहा आपने, किसान ने कहा। यह देखकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे दादा को पद पर बने रहने को कहा और उन्होंने इनाम से लाद दिया। मेरे दादा ने बाद मेरे पिता प्रधानमंत्री बने, पर उन्हें यह काम पसंद नहीं आया। वे इस्तीफा देकर दिसावर चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कई अजूबे देखे, जैसे पेड़ से उल्टा लटकने वाला एक पैर का आदमी, एक आंख का दैत्य, हरे नीले और पीले बंदर भी। एक दिन मेरे पिता ने एक मच्छर को अपने कान के पास भुनाते देखा। उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। तुम तो जानते हो कि हम जैसे दयालु लोग किसी जीव को नहीं मारते हैं।
सही बात है, किसान ने जवाब दिया। ठक्की बात पर किसान ने जवाब दिया, सही एकदम सही बात। पिताजी ने मच्छर से जान की भीख मांगी। मच्छर बोला, मैंने बहुत दुनिया देखी पर आप जैसा बलवान आदमी नहीं देखा। यह कहते हुए उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में सोने का एक विशाल महल था। झरोके में एक अपूर्व सुंदरी दिखी। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके एकदम पीछे उन्होंने एक आदमी को देखा जो उन पर हमला करने की ताक में था। तुरंत मच्छर के मुंह में कूद पड़े और उसके पेट में घुस गए। वहाँ इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सच, बिल्कुल सच, किसान ने कहा। थोड़ी देर बाद आंखें अंधेरे को चीरते हुए पिताजी ने महल, राजकुमारी और एक किसान को देखा। मेरे ताकतवर पिता किसान पर टूट पड़े, जो कोई और नहीं तुम्हारे पिता थे। मच्छर के पेट में वे दोनों पूरे 1 बरस तक जंग लड़ते रहे। मच्छर के पेट में दोनों 1 बरस तक जंग लड़ते रहे। तुम्हारे पिताजी ने पिताजी से दया की भीख मांगी। पिताजी दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया। पिताजी ने राजकुमारी से शादी की और महल में रहने लगे। वहीं मेरा जन्म हुआ। तुम्हारे पिता को मेरे पिता ने अपनी चाकरी में रख लिया। वह रात दिन चौकीदारी करते थे। एक बार उबलते हुए पानी की बरसात हुई, महल पिघल कर बह गया और हम जलते उबलते हुए समुद्र में जा गिरे। आखिर जैसे तैसे पिताजी, राजकुमारी, मैं और तुम्हारे पिता किनारे पहुँचे। किनारे पर एक कुटिया में बुढ़िया साग बना रही थी। हम उसकी देगची में जा गिरे। हमने उससे कहा कि हम आदमी हैं, भूत पलीत नहीं। वह औरत बोली, तुम भी खूब हो, मेरा साग खराब कर दिया। तुम्हें मेरी डेगची में घुसने और मुझे डराने की क्या सूझी? हमने माफ़ी मांगी और कहा, हम इस डेगची में कैसे पहुँचे यह हमें भी नहीं पता। पिछले 15 बरस से तो एक मच्छर के पेट में बने एक महल में रहते थे। वह औरत बोली, अब समझी, थोड़ी देर पहले एक मच्छर ने मेरी बांह पर काटा था। लगता है मच्छर के काटने से तुम लोग मेरी बांह के अंदर पहुंच गए। मुझे क्या पता था कि तुम लोग उसके अंदर थे? तब मेरी सिर्फ 15 मिनट की थी, जबकि मैं 15 बरस के लड़के जैसा लगता था। हम ये जानकर हैवान रह गए कि मच्छर के पेट में हम सिर्फ 15 मिनट रहे थे। इतने कम समय में ही मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और तुम्हारे और मेरे पिता की उम्र भी 15 बरस बढ़ गई। मैं लगता ज़्यादा का हूँ पर असल में हूँ मैं 10 बरस का बालक ही। सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, किसान ने कहा। जब हम रसोई से बाहर आए, हमने देखा कि हम दूसरे देश में आ गए हैं। हम जिस गांव में पहुंचे, यह वही गांव है। अब तक पिताजी प्रधानमंत्री थे, अब तुम उन्होंने किराने की दुकान लगा ली। उसके बाद यह दुकान मैं देखता हूँ। मेरी माँ भी स्वर्ग सिधार गई, यह तो पूरे जग को मालूम ही है। यही मेरी राम कहानी है, यानी कि ठग ने अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। सही जी, बिल्कुल सही, किसान ने कहा। आपकी कहानी 16 आने सच्ची है। कहानी तो मेरी भी सच्ची है, किसान ने कहा, पर वह आपकी कहानी की तरह रसदार नहीं है। फिर भी सुनो, मेरे परदादा के सबसे अमीर किसान थे। बड़े रौबीले और नामवर थे, सब उनकी इज्जत करते थे। वे गांव के सरपंच थे, ऐसाई की मदद करना अपना धर्म समझते थे। पंचायत में वे हमेशा गरीबों का साथ देते थे, जिनके पास बैल नहीं थे। उनके खेत अपने बैलों से जोते जाते थे और अपने हाली बेचकर कटाई में मदद करते थे। गरीबों के लिए उनके धान के भंडार हमेशा खुले रहते थे। राजा के फैसले से भी लोग उनके फैसले का ज्यादा मान रखते थे। वे भीम से ताकतवर थे, बदमाश लुच्चे लफंगे उनसे थरथराते थे। सही चौधरी, सही ठग ने कहा।
एक बार हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा, एक बूंद पानी नहीं बरसा, नदियां और कुएं सूख गए, घास घास का तिनका तक नहीं बचा, मवेशी छींजते जा रहे थे हैं, जल्दी कुछ नहीं किया तो लोग भूखों मर जाएंगे। उन्होंने खेडूतों की पंचायत बुलाई और कहा, भाइयों, इंद्र भगवान हमसे नाराज हैं, अगर हमने जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा, सब लोग अपने खेत 6 महीने के लिए मुझे दे दो, मैं ऐसा काम करूंगा कि हर खेत में फसल लहलाएगी। सभी मान गए। तब मेरे परदादा ने अपनी कमर कसी और हजारों बीघा के गांवों को एक ही झटके में उठाकर अपने सर पर रख लिया। सही, एकदम सही, कहते हुए ठग मन ही मन इस बेतुकी बात पर हंसा। ठग को आड़ों हाथों लेते हुए किसान बोला, महाशय, फिर मेरे परदादा पूरे गांव को सर पर उठाए हुए बरसात की खोज में चल पड़े। जहां भी बरसात होती वे वहां पहुंच जाते, बरसात के पानी को खेतों कुओं और तालाबों में इकट्ठा कर लेते। किसानों से कह कह कर उन्होंने सारे खेत जुतवाए, बुआई की, बरसात का पानी इकट्ठा करते करते वे 6 महीने तक देश दिशावर भटकते रहे, जबकि बाकी लोग जुताई बुआई करते रहे। फसलें इतनी जोरदार हुई कि आज तक किसी ने देखी न सुनी। मक्का और बाजरा के बूटे आसमान को छूने लगे। सही चौधरी, सही ढंग ठग ने कहा। पूरे गांव और गांव वालों को सर उठाए संसार भर की परिक्रमा के बाद मेरे परदादा वापस अपने देश लौटे। गांव को वहीं रख दिया जहां वह पहले था। उस साल पहले इतनी अच्छी हुई फसलें इतनी अच्छी हुई कि कुछ मत पूछो, मक्का और गेहूं का एक एक दाना हाथी के सिर जितना बड़ा था। सही चौधरी, बिल्कुल सही, खलियानों में से अनाज निकाला, इतना अनाज रखे, कहाँ दूर दिशावर से लोग अनाज खरीदने आए। परदादा ने मोटा मुनाफा कमाया, उन्होंने हजारों रुपये गरीबों में बांटे और हजारों भूखों को अनाज दिया। यहाँ तक कि आते आते दोनों शहर में पहुँच गए, ठग और किसान। किसान ने कहा, उन दिनों आपके परदादा की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी, मेरे परदादा ने दया करके उन्हें अनाज तोलने मापने के लिए नौकर रख लिया था। सही चौधरी, सही, आपके परदादा रात दिन अनाज तोलने में लगे रहते थे, उनमें ढेले की अकल नहीं थी, वे अक्सर गलती करते थे, उन्हें आए दिन मेरे परदादा के हाथों मार खानी पड़ती थी। सही चौधरी, सही, बात करते करते दोनों उस महाजन की पेड़ी पहुंच गए जिससे किसान ने कर्ज ले रखा था। महाजन ने राम राम करके दोनों को सत्कारा, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए किसान ने कहना जारी रखा, जो मेरे परदादा ने अपने सारी फसल बेच दी तो तोलने मापने को कुछ नहीं रहा, इसलिए उसके परदादा को नौकरी के सिक्के हाथ धोना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मेरे परदादा से 100 रुपये उधार मांगे, मेरे परदादा ने आपके परदादा को दया करके कर्ज दे दिया। सही चौधरी, सही, ठगने का, ठीक, किसान ने आवाज़ को तेज करते हुए कहा, जिससे महाजन भी सारी बात सुन ले, वे रुपये आपके परदादा ने लौटाए नहीं। सही चौधरी, सही, न तो आपके दादा ने यह कर चुकाया और न आपके पिता ने, न आज तक आपने ही हिसाब किताब की कोई बात की है। सही चौधरी, सही, ठग को मानना पड़ा, सेठ जी और दूसरे गवाहों के सामने आपने कर्ज कबूल किया है, वे 1,000 रुपये आप सेठ जी को देने का कष्ट करें ताकि मेरे गिरवी रखे खेत मुझे वापस मिल जाए। ठग पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह यह कहता कि मनगढ़ंत और झूठी कहानी थी तो शर्त के मुताबिक उसे सब कुछ देना होगा, और अगर वह उसे सही मानता है तब भी उसे 1,000 रुपये देने होंगे। इसलिए न चाहते हुए भी उसे 1,000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ा। ठग बहुत दुखी हुआ, जिंदगी भर पछतावे की फांस उसके कलेजे में कसकती रही।